आप लोग आए हो, कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में सही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे, बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे, इस्तीफा में लेना अगर नहीं है, हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उनपे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को बंद किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ है, जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और ज़रूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार खेल विभाग ज़रूर लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं और ख़ास करके खिलाड़ियों के लिए, उनका उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है उसको हम बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। चीज़ों को गंभीरता से लेंगे, खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान दें। इसमें चूंकि हमारे पास इस प्रकार की कोई पहले शिकायत नहीं आई, और ये कल ही जब ये सारा प्रदर्शन करने का विषय आया है तब से ही जानकारी मिली है। कल मेरे चूँकि लगातार अपने कार्यक्रम थे, कल रात्रि के बाद मैं आया हूँ, और अगर हमारी तरफ हमें भी विषय कोई रेफर किया जाएगा तो हम उसका कोई संज्ञान लेंगे, लेकिन जनरल जो जानकारी मिली है उसमें से खिलाड़ियों की सुरक्षा ये करने का हम अपने खेल विभाग में इसका जरूर और विचार करके जो कोई आवश्यकता होगी इसको पूरा करें। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे सच कहूं पंजाबी चैनल, इस दे नाल ही बेल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।